अस्सलाम वालेकुम क्लास, ये देखें उर्दू जुमेरात 7 मई 2020 आज की डायरी है। सबक में लिखे गए अल्फाज मानी। सबक आपका कौन सा है? सबक है सेहत और सफाई, और बेटा इसके मशकी सवालात हैं और अल्फाज मानी है। ये आपके, ये आपने लिखने हैं और ये चीज आपने याद करनी है, ठीक है। आज हम क्लास में देख लेते हैं कि आपने सेहत और सफाई के बारे में आपको क्या बताया गया है। अच्छा जी, क्लास ये देखें, सेहत और सफाई का लेसन है हमारा। इसमें हमने वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं, ये वर्ड मीनिंग आपने याद करना है, ये देखेंगे। और उसके बाद ये लेसन जो है इसमें एक मकालमा दिखाया गया है, मकालमा बताया गया है कि मकालमा किसे कहते हैं। आप ये देखें यहाँ पर जैसे ये नाम लिखे हुए हैं पर्संस के, आपकी क्लास में गुफ्तगू हो रही है, उस गुफ्तगू को यहाँ पर लफ्जों में बयान किया गया है, उसे कहते हैं मकालमा। अब मकालमे में ये देखेंगे, ये पहला है टीचर, नाम है हुमैरा। हुमैरा हाथ उठाकर, मिस मैं बात शुरू करूं, मिस शाबाश बोलो, हुमैरा सफाई निस ईमान है, ईमान का हिस्सा है। अब देखें यहाँ इस चीज को मकालमा कहते हैं। एक तो होता है ना ये सेंटेंस के सेंटेंसेस होते हैं फिर उसका पैराग्राफ होता है, नहीं यहाँ पर ऐसे बात होती है जैसे एक इंसान ने बात की, दूसरे ने उसका जवाब दिया, फिर वहां पर अगला बोला, फिर अगला बोला, इसे कहते हैं मकालमा। तो ये मकालमे की शक्ल हमें एक बताई गई है। इसमें हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक उन्होंने बताया सेहत और सफाई। सेहत के लिए सफाई कितनी अहम जरूरी है, उस सफाई का हमारी जिंदगी में, हमारे ईमान में, हमारे दीन में उसका क्या मकाम है, ठीक है। सफाई ईमान का हिस्सा है, हमारे ईमान का एक जुज है। उसके बाद फिर सफाई से हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है, आगे सारा हमने लेसन पढ़ना है। लेसन में आपको सब चीजें बताई गई हैं, कहाँ से कैसे सफाई शुरू होती है, कौन सी सफाई कैसे करनी चाहिए, जिस्मानी सफाई, जाहिरी सफाई, बातनी सफाई, सब चीजों का इसमें डिटेल से बताई गई है। फिर देखेंगे हमने एक्सरसाइज हमारी, हमने आंसर क्वेश्चन हमने किए हुए क्लास में। कुछ क्वेश्चन जो है वो हमारे यहाँ पर बुक पर है और कुछ क्वेश्चन जो है वो हमारे कॉपी पर हमने किया हुआ है। आपको बताया मश्क में हमारे एक्सरसाइज में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमने जस्ट चार चीजें याद करनी होती हैं, आंसर क्वेश्चन, सेंटेंसेस, वर्ड मीनिंग और बेटा एमसीक्यूज। ये देखें एमसीक्यूज हैं, ऑप्शन वाले सवाल होते हैं। उसके बाद फिर ये देखेंगे हमारे पास सेंटेंसेस हैं, हमने बुक पर बनाए हुए, और ये क्या कहते हैं कॉलम होता है बेटा। बेटा सेंटेंसेस को खास करके बार बार मैं आप लोगों से कहती हूँ कि वही याद कीजिएगा जो मैंने बुक पर लिखवाया है, क्योंकि यहाँ पर ग्रामेटिकल आपको ये एक सेट करके दे दिया गया है। ने को पर है कि मिस्टेक जो आप लोग करते हैं, टेंस भूल जाते हैं कि था कहाँ लगाना था, है कहाँ लगाना था, तो इसी लिहाज से मैंने आपको सेंटेंसेज सेट करके दिए हैं। आपने वही याद करना है कि कौन से लफ्ज को किस तरह हमने यूज करना है, ठीक हो गया। राइटिंग नीट रखनी है बहुत अच्छे तरीके से। और बेटा ये देखें, मैंने आपको कहा है कि लेसन के जो मीनिंग है सबक में जो लिखे गए वो मीनिंग आपने लिखने हैं। ये मीनिंग जब आप लिख लेते हैं तो आपके के दो सवाल याडी डाडी हो जाते हैं। पहला तो ये कि आपको सलीस लिखना आ जाती है, क्योंकि इन लफ्ज़ों को लिखना और इनके मीनिंग उसमें यूज करना ही सलीस होता है। उसके बाद अगर वर्ड मीनिंग दरमियान में आ जाए तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आंसर क्वेश्चन भी लिखने में आपको आसानी हो जाती है। और फिर बेटा जब लिखकर प्रैक्टिस हो जाती है तो आप लोगों को लेसन अच्छे तरीके से याद हो जाता है, राइटिंग आपकी नीट होती है। गुड, अल्लाह हाफिज़।